तो है दोस्तों गीक पुन में, और आज हमारा DIY एक्टिव सबवूफर है। इसे हम लोगों ने बनाया है ऑनलाइन परचेज करके, और 2500 रुपये इसका पड़ा है हम लोग को टोटल कॉस्ट। तो देखिए इस तरह से ये सबवूफर का कैबिनेट है, ये 300 रुपये हम लोग को मिला है लोकल मार्केट में। उसके बाद हम लोगों ने लिया है आपका ये MB कलेक्शन का बोर्ड, ये हम लोग को 800 से 900 रुपये में फ्लिपकार्ट मिल जाता है, क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है इसका। उसके बाद सबवूफर देखिए ये हम लोग को मिला है 1200 रुपये में, ये भी हम लोग को लोकल मार्केट से हैक्सोर कंपनी का है। उसके बाद हम लोगों ने क्लोथ लिया था, तो इसको हम लोगों ने चारों तरफ लगा लिया, बीच में कटिंग करना पड़ेगा। ट्रांसफार्मर देखिए ये है 27027, इसको हम लोग कैबिनेट के अंदर ही इंस्टॉल करेंगे, और इसमें किट वगैरह सारा इसी में चला जाएगा। तो बिल्कुल ये मेड इन इंडिया ही है समझिए, DIY का कंसेप्ट का काफ़ी बढ़िया रहता है। तो इस तरह से देखिए ये बोर्ड है, इस पर हम लोगों ने कनेक्टर लगाया है बैक में इंस्टॉल करने के लिए इनपुट का और वैल्यूम का। इस तरह से कनेक्टर जो है पावर का जाएगा इसमें 27027, और हीट सिंक में स्क्रूज़ की मदद से हम लोग इस बोर्ड के अंदर ही इसको माउंट कर लेंगे। और पीछे में आपका इनपुट और वॉल्यूम का बट ये नॉब जो है वो आ जाएगा। तो इस तरह से देखिए ये काफ़ी अच्छे से इंस्टॉल हो जा रहा है, थोड़ा सा कटिंग करने में हम लोग को टाइम लगा था इसमें। तो इस तरह से देखिए ये माउंट हो गया हमारा प्रॉपर तरीके से, और पीछे में इस तरह से इनपुट और वॉल्यूम, उसमें हम लोग को नॉब लगाना बाकी है, अंदर में ये इस तरह से रहेगा। और इस तरह से देखिए इसका टेस्टिंग काफ़ी बढ़िया है। तो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।